Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavekar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज के लेक्चर में हम बताएंगे कि ऑडियो विजुअल एड की क्या इम्पोर्टेंस है. देखिए, पहले तो हम लोग क्लास में सिर्फ ब्लैक बोर्ड का यूज करते थे जिसपे चौक से लिखा जाता था. फिर व्हाइट बोर्ड आ गए तो हम मार्कर से लिखने लगे. लेकिन अब साइंस की वजह से इतने अच्छे मीन्स आ गए हैं, इतने अच्छे ऑडियो विजुअल एड आ गए हैं जिनसे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है. ऑडियो एड का मतलब होता है जिसे सिर्फ हम सुन सकते हैं, जैसे कि टेप रिकॉर्डर हो गया या आपका रेडियो हो गया. विजुअल एड से मतलब होता है जिन्हें कि हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते. जैसे किसी हम रियल ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं, ग्राफ को दिखाते हैं, किसी मॉडल को दिखाते हैं, तो वो क्या होता है आपका विजुअल एड. और ऑडियो विजुअल एड क्या होते हैं जिनमें हम सुन भी सकते हैं और जिसमें हम देख भी सकते हैं. जैसे आपकी सिनेमा हो गया, आपका टीवी हो गया, तो उसमें हमें सुनाई भी देता है और दिखता भी है, तो ये कहलाते हैं ऑडियो विजुअल एड. तो आज हम देखेंगे कि पढ़ाई में इनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है. देखिए, सबसे पहला तो है कि ये टीचिंग को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं. देखिए, अगर टीचर सिंपल ओरली पढ़ा रही है तो बच्चे को पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, और छोटे छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं आएगा. आप टीचर उन्हें सिखा रही है ए बी सी, लेकिन इसकी जगह अगर वो फ्लैश कार्ड बनाती है कलरफुल तरीके से, उन छोटे छोटे फ्लैश कार्ड पे ए लिखती है, बी लिखती है और बच्चों को दिखाती है कि ये ए है, तो बच्चों को जो है सीखने में बहुत इंटरेस्ट होता है. इसी तरह से वो बच्चे को ट्री की पिक्चर दिखाती है या फिर एप्पल की पिक्चर दिखाती है, तो बच्चों को जो है वो बहुत जल्दी सीखते हैं. तो इस तरीके से जो है टीचिंग बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है. नेक्स्ट है टाइम सेविंग. इनसे जो है टाइम की भी बहुत ज़्यादा सेविंग होती है. फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर आपको जो है स्पीच अच्छी करना सिखा रही है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कर रही है, इम्प्रूव कर रही है, तो वो कहती है कि आप या तो वो बार बार आपको देखें और बार बार जो है आपको ठीक करें. तो एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो इस तरह से सब बच्चों की वो स्पीच को ठीक करने में उसे बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए वो सब बच्चे को टेप रिकॉर्डर पे वो जो है रिकॉर्ड करवा देती है. फिर बच्चों कहते हैं आप खुद अपनी अपनी टेबल पे जाके टेप रिकॉर्डर को ऑन करो और खुद देखो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो. इससे क्या है, सारे बच्चे जो है एक साथ अपने अपने टेप रिकॉर्डर को ऑन करके देख सकते हैं. तो इस तरह से आपने देखा कि इससे टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होता है. नेक्स्ट है विजुअल एड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ये जो वीडियो या आपके ऑडियो एड होते हैं या वीडियो आपके विजुअल एड होते हैं, इनसे जो है आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो वो एकदम से जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको बच्चों को ग्रीन कलर सिखाना है, छोटे को आप ग्रीन ट्री की पिक्चर दिखाते हो, आप जो है उनको जो है पैरेट की पिक्चर दिखाते हो ग्रीन की, आप वेजिटेबल में लौकी की दिखाते हो, तो बच्चे को एकदम से पता चल जाता है कि ये ग्रीन कलर चल रहा है. तो इस तरह से विजुअल एड से जो है बच्चा एकदम से सीखता है. नेक्स्ट है आपका बेस्ट मोटिवेटर, कि ये बहुत अच्छे से आपको प्रेरणा देता है. देखिए, जब किसी चीज़ में आप बोर हो रहे होते हो, टीचर के ओरल लेक्चर से बोर होते हो, तो आपको उसमें मज़ा नहीं आता, आपको पढ़ाई बड़ी डल और अनइंटरेस्टिंग लगने लगती है. लेकिन जब आपको कलरफुल पिक्चर दिखाई जाती हैं, आपको मॉडल दिखाए जाते हैं, आपको टीवी में सुनवाई जाती है, तो आपको पढ़ने में मज़ा आने लगता है. और जब जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है तो उससे उस चीज़ के लिए आप मोटिवेट होने लगते हो. तो अगर हम ऑडियो विजुअल यूज़ करते हैं तो बच्चों को जो है पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है. नेक्स्ट है आपका रिड्यूस रोट लर्निंग. ये क्या होती है, रटने की प्रवृत्ति को आपके कम करती है. देखिए, अगर आप सिर्फ सिंपली क्लास में जाके पढ़ा देंगे, ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे, तो बच्चा जो है उस चीज़ को रटेगा ही. लेकिन आप किसी भी कंसेप्ट को जो है पूरा अच्छी तरीके से दिखा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने टीवी पे दिखाया कि किस तरह से बारिश हो रही है, कि पहले जो समुद्र का पानी होता है वो धूप में सूख जाता है, फिर वो वाष्पन के ऊपर चला जाता है, फिर जब ऊपर से ठंडा होता है तो उससे बारिश का पानी आता है. तो जब आपने पूरा इसका प्रेजेंटेशन देख लिया, तो फिर आपको ये अलग से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. आपको एग्ज़ाम में हमेशा वो पिक्चर सामने आ जाएगी कि मैम ने इस तरह से हमें बताया था. तो इस तरह से रोट लर्निंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है.
नेक्स्ट है मीनिंगफुल एक्सपीरियंस। इससे आपका एक्सपीरियंस जो है बिल्कुल आप अच्छी तरह से मीनिंगफुल एक्सपीरियंस होता है। फॉर एग्जाम्पल टीचर को ये सिखाना है कि टीम वर्क में काम करने से आपको ज्यादा सक्सेस मिलती है। अगर आप वैसे ही बताओगे तो बच्चा उसे एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देगा। लेकिन अगर आप उसमें उड़ती चिड़ियाओं की फोटो दिखाओगे, क्योंकि जनरली जब चिड़िया उड़ती है तो वो वी शेप में उड़ती है, तो आप जब ये पिक्चर दिखाते हो, पिक्चर दिखा के आप बताते हो कि जो सबसे आगे होता है उसमें हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो जो आगे चिड़िया चल रही होती है वो सबसे ज्यादा हवा के प्रेशर को झेलती है। तो वो वी शेप में इसलिए चलती है कि आगे वाली चिड़िया ज्यादा प्रेशर, उसके पीछे कम, उसके पीछे कम। तो जब आगे वाली चिड़िया थक जाती है तो वो पीछे हो जाती है और पीछे वाली चिड़िया आगे हो जाती है, तो फिर वो हवा के प्रेशर को झेलती है, तो वो अपनी पीछे वाली चिड़ियाओं के लिए हवा के प्रेशर को कम करती चली जाती है। तो ये टीम वर्क में ही जो है पॉसिबल होता है और वो लंबी लंबी जो है उड़ाने पूरी कर लेती है। तो ये आपको जब चित्र दिखाएंगे और उससे समझाएंगे तब आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल फॉर बैकवर्ड स्टूडेंट। देखिए जो पिछड़े बालक होते हैं, पिछड़े बालक वो होते हैं जिन्हें जब हम सिखाते हैं तो थोड़ी देर से समझ में आता है। तो क्योंकि जब नॉर्मल बच्चों को ही हम ऑडियो विजुअल एड से दिखाते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है, रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम पिछड़े बालक को ऑडियो विजुअल एड की हेल्प से पढ़ाएंगे तो उनके लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है आपका और लास्ट है इंक्रीज इन वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दावली, कि आपको नए नए शब्द सुनने को मिलते हैं। देखिए जब टीचर पढ़ा रही होती है तो हर टीचर के एक लिमिटेड वर्ड होती है, वो ज्यादातर उन्हीं वर्ड्स का यूज करती है। लेकिन आप रेडियो देख रहे हैं, आप टीवी को देख रहे हैं, आप डिफरेंट मॉडल को देखते हैं, तो आपको डिफरेंट चार्ट देखते हो, तो आपको बहुत सारे अलग अलग शब्द सुनाई देते हैं। तो इस तरह से आपकी वोकैबुलरी, आपके शब्दों के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम टीचिंग में, एजुकेशन में ऑडियो एड को यूज करते हैं या विजुअल को करते हैं या ऑडियो विजुअल एड को करते हैं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। बच्चों को एक तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, उन्हें बहुत जल्दी समझ में आने लगता है, उन्हें रटने की बिल्कुल लर्न नहीं होती और उन्हें पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। तो ये थे आपके ऑडियो विजुअल एड की इम्पॉर्टेंस। So that's all for today lecture. Thank you very much.